हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि कोई आया था तो उसके लिए पहनी है, पर उनको कैमरे वैमरे में लाना सही नहीं समझा, तो फिर वो अभी दुकान वगैरह गए थे, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन के ये आप लोगों को दिखा रही थी। आप लोग कमेंट करते हो, दीदी साड़ी कैसे पहनते हो? तो कोई दिक्कत नहीं होती है साड़ी पहनने में, क्योंकि हम लोग तो गाँव में आपने देखा है पहनते ही रहते हैं, तो वही चीज़ें दिखा रही हूँ। प्लेट वगैरह सब सही से बने ना, तो साड़ी अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं चाय वगैरह आ रही हूँ, और वो लोग अपना कोई कमरा वमरा देखने के लिए आए थे, तो हमारे रिश्तेदार ही लगते हैं, तो वो आए थे। तो हमारे वो ना ससुराल की तरफ के हैं, तो वहीं से आप लोग सोचे कौन आया। तो इसीलिए सर साड़ी पहन के और सर पे घूंघट करके घूम रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, दो कप वगैरह। ये इस वाले गेट पे ही, यहाँ से सामने वो कमरा दिखता है ना, तो यहीं से देखने के लिए आए थे। तो वो लोग चले गए और मैंने साड़ी उतार दी इतने सर पे से पहलू। इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी तो रोज़ ही हो रही है, पर दो दिन से बारिश हुई है हमारे यहाँ। धीमी धीमी हल्की पूरी बारिश हुई है, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो दो कप मैंने चाय बनाई थी, वो लोग पी के चले गए थे, बस मैंने नहीं पी थी। मैंने बोला था मैं बाद में पीऊँगी, जब नहाई आई नहीं थी, तो इसीलिए मैंने फटाफट से पी ली। वो लोग अपना रूम वगैरह देख के आ गए, तो इसीलिए। तो चलिए मैं अपनी चाय पी लूँ, फिर मैं अपना किचन समेटूँ। किचन क्या समेटना, बस चाय चाय के बर्तन सारा समेट के रख दिया है, और सब्जी बनाई थी मैंने, वो भी सारी समेट के रख दी है। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था, इसीलिए नहीं गया था। वो लोग सब लोग घर पर आए हुए थे, फिर अच्छा नहीं लगता ना। डालो थोड़ा सा ही मैंने ये क्लिप की है, नहीं तो मैं कैमरा भी नहीं उठाई थी। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी करके, ये चाय के दो बर्तन अर्तन करके, तभी मैं किचन साफ़ होगा, और इसको करके ये गैस रसोई साफ़ हो गई, तो सारा कुछ साफ़ हो गया। रसोई साफ़ नहीं हुई तो पूरा घर गंदा दिखता है, पर थोड़े से दिनों में इससे वो हो जाएगा, निजात हो जाएगी, फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी। रसोई कर लो, कमरे तो साफ़ रहेंगे ही रहेंगे, सारा सामान रसोई में आ जाएगा, तो इसकी तो वो झंझट ही नहीं रहेगी, है ना। तो चलिए ये सारा मैं यहाँ पे पोंछ पाँच हल्की पूरी कर देती हूँ, और फिर इसे अच्छे से जो सरप अरप डाल के तब करूँगी। इसको लकड़ी है ना, तो लकड़ी को ज़्यादा पानी डाल देते ना, तो उसका कलर उड़ गया है बहुत ज़्यादा से। तो यहाँ पे ये देखिए बर्तन है, थोड़े से कपड़े हैं, कपड़ों को मुझे सरप में भिगोना है, और पूरा हाँ आप लोगों के कमेंट आए थे मकान में, वो आप अकेले ही रह रहे हो और कोई नहीं, तो मैंने कितनी बार बताया है कोई क्यों होगा, सबने खाली कर दिया। सिर्फ हम लोग गाँव में थे, तो इसलिए हमारा लेट हो गया है और सबका खाली हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सर्फ वगैरह ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा 10 रुपये वाला मंगाया है, और कपड़े अभी आपको थोड़े से ही कपड़े दिख रहे हैं, पर बहुत सारे कपड़े होंगे। तो ये अंकल अपना सफ़ेदी करते हैं ना, तो ये झाड़ने में लगी हुई, मैंने बोला अंकल मन झाड़ो मैं लगा दूँगी आप रहने दो, तो बोले नहीं नहीं मैं थोड़ा बहुत सा ही कर लेता हूँ, तो इसीलिए वो अपना करने लगे, मैं अपना ये करके सारे में हो गई। सिर्फ मेरा कमरा सफ़ेदी के लिए रह गया, और पता नहीं कुछ कुछ बातें कर रही थी, ध्यान नहीं है, क्योंकि उस दिन तो वीडियो गया ही नहीं। जिस दिन डालो उस दिन सारी बातें ध्यान में रहती हैं, नहीं अगले दिन नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ करके अच्छा लगता है ना, अभी साफ़ सुथरा। और देखिए इस पत्थर, वैसे भी सफ़ेद पत्थर है, तो फिर ना बहुत ज़्यादा गंदा धूल पूरे कमरे में, कपड़ों पे ना धूल वगैरह जम गई है पूरे में। देखो कितनी थोड़ी सी, पूरे दिन झाड़ू लगाओ ना तब भी यहाँ पे धूल वगैरह रहती है। ये दो ही आदमी है जो पेंट करने में लगे हुए हैं, तो ये कपड़े ना थोड़ी देर में धोऊंगी, इनका गंदा गंदगी कट जाए। धूल मिट्टी, वैसे तो कपड़े इतने गंदे नहीं हैं, बस धूल मिट्टी सी थोड़ी बहुत रह गई है, उसको ही हटाना होता है। तो चलिए ये सारा साफ़ करके और अच्छे से इसको भर के, ये है ना, अगर भरेंगे नहीं तो पूरे घर में ये फैल जाएगा, फिर ठीक नहीं रहता ना, कपड़ों में चिपक जाता है। और यहाँ पे सोनाकी कर रही हूँ मालिश, और आप लोग कहते हो सरसों के तेल से किया करो मालिश। सरसों के तेल से सोना को इन्फेक्शन हो जाता है, जब सोना हुई थी तब सोना को सरसों के तेल से कर दिया था ना, उसके पिथी की जैसे उछड़ जाता है, तो डॉक्टर ने उसको मना किया है सरसों के तेल से। उसको ना नारियल के तेल से उसकी मालिश होती है, और मालिश मैं अब पहले बीच में छोड़ दी थी, आप लोगों को पता है, अभी फिर से मैं मालिश करने लगी हूँ। मालिश से थोड़ा सा ये थकान वगैरह उसे नहीं आती है, खेलने कूदने में ठीक रहती है, और शरीर भी थोड़ा मतलब रहता है ना, मालिश कर दो थकान सा, तो जी भर के सो लेती है, और फिर सो जाए तो फिर भूख प्यास सभी लगती है। तो खूब ताकत से खूब अच्छे से मैं सोना की मालिश कर दे रही हूँ। मालिश करने से बहुत सारा सही रहता है, आप लोग भी छोटा बच्चा है तो मालिश वालिश करना चाहिए पैरों की हाथों की। ये मैंने कितना आधी किलो का पर 60 ग्राम का ऐसा इसको मंगाया था, और सारा सोना के उसमें ही लग गया, एमएल का है ना,
600 ग्राम का मैं ध्यान नहीं रहता है ना, ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, बोलनी नहीं आती, करनी नहीं आती, खुद भी कभी कभी खुद को बहुत बेवस समझती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे बोलनी नहीं आती। आप लोग कमेंट भी आते हैं, दीदी आप ये नहीं बोल पाते, वो नहीं बोल पाते। हाँ मैं नहीं बोल पाती, क्या करूँ मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ पर फिर बाद में आ जाता है। तो वंशिका उधर अपनी पढ़ने में लगी हुई है और मैं अपना खूब ताकत से अच्छे से मालिश करने में लगी हुई हूँ। और सोना को कितनी भी देर मालिश कर दो, सोना थकती नहीं है। उनके पापा तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा मालिश करते हैं, मैं तो 10-15 मिनट करके बस छोड़ देती हूँ, ज़्यादा देर मुझसे नहीं होता, फिर मेरा काम भी बहुत सारा लेट हो जाता है। तो ये देखिए खूब अच्छे से ताकत ताकत से करोगे ना, ऐसे नहीं खूब ताकत से, जितना आपका बच्चा ताकत झेल पाए उतनी ही ताकत से करनी चाहिए, ज़्यादा ताकत से करें, पता चले वो कि आपने ही तो बोला था, आपके बच्चा है आपको पता है वो कितनी झेल सकता है, उतने हिसाब से करिए। हम लोग तो रोज़ करते हैं तो हमें पता होता है कैसे करना है मालिश कैसे नहीं करना, तो इसीलिए आप लोग अपना अपना देख के तब बच्चे की करिए। छोटा सा बच्चा है तुरंत हुआ, उसके हल्के हल्के हाथों से मतलब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाइए, एक दिन बिल्कुल हल्के हाथों से, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, फिर उसके दिन थोड़ी सी और बढ़ा, ऐसे कर करके बढ़ाना होता है। और ऐसे हाथ पैर कर देते हैं ना तो थोड़े हष्ट पुष्ट और अच्छे रहते हैं। तो चलिए ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और गर्दन वगैरह पकड़ के उठाते हैं ना, जिसकी गर्दन थोड़ी सी चिपकी रह जाती है तो वो चिपकती नहीं है, और तरवे पे तेल डाल दीजिए, बस हो गई। और इसको करने के बाद आधे घंटे बाद सोना को नहला दूँगी, पहले नहीं नहलाऊँगी तो सारा तेल है वो शरीर में घुस जाएगा और फिर जो ऊपर ऊपर का रह जाए वो नहाने से साफ़ सुथरी हो जाएगी, चिकनी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आटा गूंदने जा रही हूँ, आटे में बिना नमक के आटा तो गूंदती नहीं हूँ, तो उसमें नमक डाल दिया है 2 चम्मच और पानी तो रख ही लिया। फटाफट से आटे को गूंद लूँगी, फिर मुझे बनानी है सब्जी। आराम से बैठ के आटा गूंदना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैठ बैठ के काम करना मुझसे नहीं हो पाता है, जल्दी जल्दी बैठ के ही अच्छे से कर पाती हूँ। तो मैं ना सोच रही हूँ कभी कभी बैठ के खाना बना लिया करूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तब मुझे लगता है ज़मीन पे बैठ के खाना बनाओ तो अच्छा लग रहता है और अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए मैं अपना ज़्यादातर बस रोटियाँ खड़े होकर सेकती हूँ, सब्ज़ी फटाक से छौंकी और नीचे आ गई, फटाक से वो करी तो नीचे आ गई, अब बैठ गई। तो अच्छे से आटा गूंद के अपना रख दूँगी, 10-15 मिनट मेरा आटा जब तक गूंदेगा तब तक मैं अपनी सोना को नहला दूँगी। अभी सोना को नहलाया नहीं, मालिश कर दी है मैंने, आटा गूंद के रख दूँगी ना फिर करूँ, सोना बोरी नहला दो, मैंने बोला नहीं अभी नहीं नहला, देखो बालों में मैंने कितना सारा तेल लगाया है, फिर कपड़े चिकने हो जाएंगे ना, इसीलिए फिर मैंने उसको नहीं किया। तो मेरा देखिए आटा वगैरह भी गूंद गया अच्छे से, टीवी देखती जा रही हूँ और देखिए किस तरीके से आटा गूंदती हूँ, और कौन ऐसे बेफिक्र होके कौन कौन वो आटा गूंदता मुझे बताना, मुझे अच्छा लगता है आटा जब गूंद जाता है चिकना चिकना हो जाता है ना, तो उसमें ऐसे लगता है और गूंदो। तो हम लोगों का आटा गूंद गया, आटा कुछ ज़्यादा ही गूंद गया है पर कोई नहीं, थोड़ा सा रख दूँगी तो देखिए चिकना चिकना आटा हो जाए तो आप समझ जाइए आपका आटा गूंद गया और सफ़ेद सफ़ेद रोटी आएंगी, अच्छी लगेंगी रोटियाँ ऐसे आते हुए। तो मैं ना ज़्यादातर आटा बहुत टाइम में आराम से गूंदती हूँ, हाँ कभी जल्दीबाजी है किसी को भूख लग रही है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी से करूँगी, नहीं तो मैं आराम आराम से करती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ। तो मैंने 5 या 6 रोटियां सेकी हैं और मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ की सब्ज़ी। मैंने तेल मंगाया, तेल ख़त्म हो गया था, रिफ़ाइंड कितना महंगा होता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, पर अब तो भाई घट जाए, अब तो सस्ता हो जाए। तो ये पापड़ है, पापड़ आपको याद होंगे ना, ये मैंने घर पे ही बनाए और ये मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट बना के तैयार किया है और इनकी बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। इनको तोड़ लिया है और रिफाइंड की थैली, रिफाइंड को करूँगी डिब्बे में, अभी नहीं करूँगी, अभी खोला नहीं है ना, पहले सब्ज़ी में बना के तब खोलूँगी। तो थोड़े से बनाऊँगी चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी रोटी। चावल मेरे बनके रेडी हैं, ये देखिए मैंने हींग जीरे से छोंक दिए थे, जीरा जीरा ऊपर आ गया है और चावल नीचे रह जाता है ना, ऊपर आती सीटी के उससे आ जाता है। तो थोड़े से पापड़ खाने के लिए सेक रही हूँ, चावल पापड़ की सब्ज़ी ये सब लास्ट में ना मैं थाली सजा के आपको दिखाऊँगी, ऐसे सेक देंगे ना थोड़े से बच्चों को खाने के लिए भी अच्छा लगता है। बस इनको थोड़ा सा डालना है और निकालना, ज़्यादा डाल देंगे ना, ज़्यादा लाल करेंगे ना तो कड़वे हो जाएंगे ये। तो इस तरीके से सारा करते जाइए और निकालते जाइए। कुछ मैंने मैदा के सेके थे, ये आलू वाले सेके और उधर इसी यही तेल बचेगा ना, इसी में मैं अपना सब्ज़ी छौंक दूँगी। और ये
मैंने मैदा के बनाए थे ना, आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना, आपको याद होंगे। तो ये वही है, ख़त्म ही गांव चले गए तो हम लोगों ने खा नहीं पाए गांव में, तो दीदी सब ने बनाया ही था। तो पापड़ सेक के उसी में मैं हींग जीरा डाल के, और उसी में देखिए ये मैंने लहसुन प्याज किया था ना, और उसी में सारे मसाले डाल के मैं इसको सब्ज़ी को तड़का दे दूँगी। एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया और एक चम्मच मिर्ची, मिर्ची अपने स्वाद अनुसार, और नमक डाल दिया है। ये देखिए सब कुछ उससे डाला, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, हमने अपने स्वाद अनुसार डाला। पानी डाल के इसको अच्छे से हिला लेना। लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था ना, कूटा था, उसी में मैंने ये किया है। लहसुन प्याज को भूनना नहीं है, ऐसे करके इसको मिला लिया है, अब इसमें डाल दिया। ये देखिए इसको भून जाना बहुत जल्दी से, कोई इस सब्ज़ी में टाइम नहीं लगने वाला, तुरंत सब्ज़ी ये बनके तैयार होती है। आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मसाला मेरा भून के तैयार है, तेल छोड़ दिया मेरे मसाले ने, आप देख सकते हैं। जब तेल छोड़ दे तो सभी को बताया मसाला पक जाता है। नमक डाल दिया जितना हमें नमक चाहिए, अपना अपना स्वाद अलग होता है, कोई तेज़ खाता है कोई कम खाता है। उसमें डाल दिए मैंने पापड़, और अब इसमें डाल देना पानी, जितना हमें पानी चाहिए उतना हम अपने पानी डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है। और गांव में तो आलू सुखा लिए जाते हैं सब्ज़ी के लिए, मतलब होता है ना कभी सब्ज़ी नहीं हो तो ये बना लो, कहीं वो कर लो, तो यहाँ तो अभी इतना नहीं है, यहाँ तो मेरे पापड़ ही हैं। तो ये देखिए गरम मसाला डाल दिया है, गांव में इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं, मेथी को सुखा लिया जाता है, बहुत चीज़ों को सुखा लेते हैं, ये देखिए करेले को सुखा लेते हैं। तो सब्ज़ी मेरी तैयार है, कलर कितना बढ़िया आया है, चावल भी तैयार है, और ये पापड़ मैंने फ्रगर सेके थे वो। तो चलिए ये वंशिका की और सोना की थाली, एक रोटी रख ली, चावल ले ली, पापड़ ले ली, और कितनी बढ़िया थाली लग रही है। आइए आप भी बच्चों के साथ खा लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करिएगा। या मैंने बोला चलो वीडियो थोड़ा सा कर लेते हैं। आप लोग बोलते हो दीदी तुम भी के मेकअप करके कर लिया कर थोड़ा, मुझे नहीं पता सारे यूट्यूबर ब्लॉगर इतना मेकअप करके कैसे वीडियो बना लेते इतनी गर्मी में, मुझे नहीं समझ में आता। किसी से पूछूंगी, किससे पूछूं ये समझ में नहीं आता। मेरी जो फ्रेंड है वो तो मेरी तरह सादा सिंपल से ही रहती हैं, तो गांव में भी ऐसे ही रहती थी, पर वही आप लोगों का कमेंट है तो थोड़ा सा करके देखते हैं आज। पर इतनी गर्मी में कहाँ चलता है, और नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग देख लीजिए कोई इतना मेकअप नहीं करता है। हल्की पूरी सी थोड़ी सी फेयर एंड लवली लगा ली, तो फेयर एंड लवली मैं लगा लूँगी, और थोड़ा सा बॉडी लोशन वगैरह तो सुबह ही लगा लिया था। चलो कर लेते हैं आज, इसलिए और भी कर रही हूँ, मौसम अच्छा है नहीं तो नहीं करती मैं, ठीक है ना। आप लोग मुझे इसी शक्ल सूरत में इसी में मुझे कबूल कर रहे हो, इसी में मुझे वो कर रहे हो, तो मुझे ज़्यादा वो मेकअप वेकअप मुझे नहीं आता, और मेन चीज़ मुझे आता भी नहीं। आपकी खुशी के लिए मैं एक दो मेकअप वीडियो, देखो बिल्ली छू गई, मेकअप वीडियो कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मन आ जाता है सबको ही, कभी कभी मन तो सबका ही होता है, पर रोज नहीं बाबा। ये जूड़ा लगा था ना तो खोल लिया है मैंने, तो ये हो गया। एक मिनट टीवी की आवाज़, और सब्जी वाले भैया आए हैं सब्जी बेचने के लिए, पर हमने तो रात को ही सारी लगा ली थी, हाइलाइटर जो काफ़ी टाइम से मेरे पास पेंसिल वाला वो नहीं है, हाइलाइटर से ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर गांव में तो नहीं लगाती थी मैं। देखो शाइनिंग आ गई ना, थोड़े से एक घर में फिर एक ना सारा काम भी हो जाता है, बच्चों वो करना हो फिर मैं मेकअप करूँ और ये वो करूँ, बच्चे ऐसे ही घूमें, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहती। ठीक है मेरी, मुझे ऐसे ही पसंद है। इस पे ज़्यादा हो गया, इस पे कम हो गया, जो सादगी में जो चीज़ है ना वो इतना सारा मेकअप। ये लो मैं करने चलूँ, इनके पहले लगाओ, पहले मैं कर लूँ फिर तुम्हारे, ठीक है। अब मस्कारा लगा लेते पहले, काजल कला कला तारा तोड़ लिया, मैं तो तैनू इतना चावा। वंशिका गई है ट्यूशन।
सामने गई। सोना कहे ट्यूशन नहीं, क्योंकि चुपके से भेजा ना, ये भी जाने की जिद करती है इसलिए। और ना शीशा लिया है, और ना कांच लिया है, ना कुछ लिया है, सिर्फ इसी से मस्कारा अच्छा लगता है मुझे। देखो ऐसे हो जाते हैं मस्कारा से, थोड़ी पलक ना मोटी मोटी दिखने लग जाती है। तो ये मेरा लिपस्टिक, थोड़ी सी लिपस्टिक है रही है, लिपस्टिक मैं लेके आती हूँ ना। तो हो गया ये मेरा, वीडियो भी मेरा बड़ा होता जा रहा है। कौन सी थे? कोई भी नहीं है। लड्डू, लड्डू भैया, लड्डू भैया। तो फाइनल लुक यही है, आप लोगों के सामने ही है। चलो तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे। और बाली बाय, ऐसे ही लग रहे हैं।